डब्ल्यूई में सोलो सिकावा का फ्यूचर देख के मुझे हंसी और रोना दोनों एक साथ आ रहा है। बेचारे सोलो सिकावा का अब क्या ही होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ। सोलो सिकावा ने रोमर एक्स के ऊपर अटैक कर दिया और डब्ल्यूई ने हमें हिंट्स दे दिया है कि अब रोमर एक्स के लिए बैकअप आने वाला है। अब रोमर एक्स के लिए कौन बैकअप है इस बारे में डब्ल्यूई ने काफी रूमर्स दिए है कि रोमर एक्स का बैकअप कौन होने वाला है। सबने कहा कि रोमर एक्स का बैकअप ब्लडलाइन बनेगी और द ब्लडलाइन रिटर्न आके रोमर एक्स का साथ देगी। लेकिन जियोसोस के अभी लेटेस्ट इंटरव्यू के बाद तय हुआ कि ब्लडलाइन अभी रोमर एक्स के साथ फिलहाल नहीं आने वाली है। ब्लडलाइन को आने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन ब्लडलाइन के बाद एक ऐसे सुपरस्टार का नाम सामने आया जिसे सुन के डब्ल्यूई फैंस काफी खुश हो गए। सब ये कहने लगे कि डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूई में रिटर्न आ सकता है और काश अगर डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूई में रिटर्न आ गया तो रोमर एक्स के लिए एक परफेक्ट बैकअप बनेगा। लेकिन 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 डीन एम्ब्रोस के अलावा भी एक ऐसा इंसान है जो कि अगर रिटर्न आ गया तो रोमर एक्स के साथ ऐसा टैग टीम बनाएगा जिसकी टक्कर कोई डब्ल्यूई में ले नहीं पाएगा। और उस इंसान ने आज तक रोमर एक्स के साथ कभी टैग टीम नहीं बनाई है। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। रूमर्स ये आ रही है कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आएंगे और रोमर एक्स को ज्वाइन करेंगे और ब्लडलाइन के अगेंस्ट फाइट करेंगे। वैसे भी ब्रॉक लेसनर को ब्लडलाइन के अगेंस्ट फाइट करने का काफी एक्सपीरियंस है, तो ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके रोमर एक्स को ज्वाइन क्यों कर सकते हैं इस बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आप लोग ब्रॉक लेसनर और रोमर एक्स की एक ग्रेटेस्ट टैग टीम को मिस कर देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और सबसे पहला सवाल तो ये है कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके रोमर एक्स का साथ क्यों देंगे। ब्रॉक लेसनर तो रोमर एक्स के दुश्मन थे। रोमर एक्स और ब्रॉक लेसनर हमेशा से एक दूसरे के अगेंस्ट रहे हैं, चाहे रोमर एक्स का कोई भी कैरेक्टर क्यों ना हो, बिग डॉग वाला हो, ट्राइबल चीफ वाला हो या शील्ड वाला हो। रोमर एक्स के हर कैरेक्टर के अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर रहे ही है और दोनों की कॉम्पिटिशन काफी लंबे टाइम तक चली है। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, सांप और नेवले टाइप के। लेकिन सांप और नेवले की इस लड़ाई में बंदर कूद गया है। आप लोग सही समझ रहे हैं, मैं सोलो सिकावा की ही बात कर रहा हूँ। तब सांप और नेवला को ये बर्दाश्त नहीं होगा कि बंदर उन लोगों की लड़ाई में कूद चुका है। तब सांप और नेवला पहली बार डब्ल्यूई में एक होंगे और इन्हें एक करेगा सपेरा यानी कि पॉल हेमन। सोलो सिकावा ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि ब्लड लाइन का ट्राइबल चीफ खुद को समझ लिया था। लेकिन उससे भी बड़ी गलती सोलो सिकावा ने ये की थी कि उन्होंने पॉल हेमन के ऊपर हाथ उठा दिया। उन्होंने पॉल हेमन को इंजर्ट करने की कोशिश कर दी, यहाँ तक कि सोलो ने पॉल हेमन के ऊपर कमेंट्री टेबल भी तोड़ दिया। अब देखो ब्रॉक लेसनर और रोमर एक्स दोनों पॉल हेमन को बहुत मानते हैं और पॉल हेमन भी इन दोनों को काफी मानते हैं, इसलिए तो अपनी स्पीच में हॉल ऑफ फेम की स्पीच में पॉल हेमन ने इन दोनों का नाम लिया था। तो अब पॉल हेमन के करण अर्जुन यानी कि रोमर एक्स और ब्रॉक लेसनर जरूर आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे, लेकिन जरूर आएंगे और सोलो सिकावा की नाक में दम करेंगे। तो पॉल हेमन के लिए द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आएंगे और वो ज्वाइन करेंगे द ट्राइबल चीफ, द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमर एक्स को, और उसके बाद इन दोनों का जंग होगा द ब्लड लाइन के अगेंस्ट। और उसके बाद इस सेगमेंट में और क्या क्या हो सकता है इस बारे में मैं डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।